हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिवाज टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैटल स्टीड एआई केवाईसी वेरिफिकेशन और विड्रावल के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है, केवाईसी कैसे करनी है, विड्रावल कैसे होगा, कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। स्क्रीन पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं $6400 के हमारे यहाँ पर BS टोकन 320,000 BS टोकन बिल्कुल फ्री में एज ए साइन अप बोनस और रेफरल के माध्यम से हमने यहाँ पर अवेल किए हैं। जिनको अगर हम विड्रा करने जाएं तो विड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर केवाईसी करनी होगी। केवाईसी करने के लिए सबसे पहले इनके ट्विटर हैंडल पेज पर चलते हैं। नीचे की तरफ ट्विटर हैंडल पेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इनके ट्विटर हैंडल पेज पर पहुँच जाएंगे। 35.6K फॉलोअर कंप्लीट कर चुके हैं। बैटल स्टीड का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज है ये, बैटल स्टीड AI के नाम से। और 5 घंटे पहले यहाँ पर एक अपडेट आया है KYC के रिगार्डिंग, भी आपको अपडेट देने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो अपडेट आया है, मैनी यूजर रिपोर्टेड दैट KYC कैन नॉट एक्सेप्टेड द वेरिफिकेशन कोड। अगर आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं प्राप्त हो रहा है तो वेरिफिकेशन कोड के प्राप्त करने के लिए ये वाला स्टेप आपको फॉलो करना होगा KYC करने के लिए। यहाँ पर पहले नंबर पर इन्होंने बताया है, ऊपर की तरफ हेडिंग लिखा है द सर्टिफिकेशन KYC प्रोसेस इज ए फॉलो। आपने इन स्टेप को फॉलो करना है KYC करने के लिए। सबसे पहले नंबर 1 पर इन्होंने बताया है ओपन द BS वॉलेट एंड क्लिक माई प्रोफाइल ऑन द होम पेज। आपने जैसे ही आप ओपन करते हैं ऐप को, ओपन करने के बाद ये इन्होंने पहले स्टेप पर बताया है आपने नीचे की तरफ प्रोफाइल की ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सेकंड इन्होंने दूसरे नंबर पर लिखा है क्लिक सेट ईमेल। दूसरे नंबर पर यहाँ पर सेट ईमेल पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सेट ईमेल पर क्लिक करने के बाद तीसरे नंबर पर एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड क्लिक वेरीफाई ईमेल। तीसरे नंबर पर ये इन्होंने यहाँ पर बताया है, पहले नंबर पर आपने अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, फिर वेरीफाई ईमेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। चौथे नंबर पर इन्होंने बताया है फाइंड द वेरिफिकेशन कोड इन यूअर मेल बॉक्स, एंटर द वेरिफिकेशन कोड। एंटर कहाँ करना है, नीचे की तरफ आपने एंटर कर देना है जहाँ पर लिखा है प्लीज इनपुट वेरीफाई कोड, और वेरीफाई कोड इनपुट करने के बाद पांचवे नंबर पर इन्होंने बताया है यहाँ पर क्लिक कन्फर्म। कन्फर्म नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कन्फर्म की ऑप्शन देखने को मिल रही होगी, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो आगे इन्होंने बताया है प्लीज नोट दैट ऑल यूजर मस्ट डाउनलोड एंड अपडेट द APK एप्लीकेशन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, द ओल्ड वर्जन इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ओल्ड जो इसका एप्लीकेशन का वर्जन है, ये इस एप्लीकेशन का ओल्ड वर्जन अब आप यूज नहीं कर सकते। इसको अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर लेंगे, नहीं तो इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज पर इसका लिंक दिया गया है, यहाँ पर जाकर आपने APK फाइल को डाउनलोड कर लेना है और इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने KYC कर लेनी है। KYC करने के बाद जैसे ही इसका विड्रा प्रोसेस स्टार्ट होगा, सबसे पहले KYC अभी बहुत ही दोस्तों देरी से हो रही है। यहाँ पर बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि KYC करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्होंने यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया है कि अगर आपकी KYC वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, आपको ये 14 घंटे पहले इन्होंने अपडेट दिया था, इफ़ यू डू नॉट रिसीव द वेरिफिकेशन कोड और यू कैन नॉट क्लिक द नेक्स्ट स्टेप व्हेन वेरीफाई KYC प्लीज चेक ए फ्यू पॉइंट्स। अगर आपको वेरिफिकेशन कोड प्राप्त नहीं हो रहा है तो इन्होंने कुछ स्टेप बताए हैं, कुछ पॉइंट बताए हैं कि इनको आपने फॉलो करना है। पहले नंबर पर इन्होंने बताया है प्लीज चेक वेदर यूअर मोबाइल फोन नेटवर्क इज गुड। आपके मोबाइल का नेटवर्क गुड होना चाहिए, मतलब के स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए जिसके कारण आपकी ईमेल पर कोड जाने में देरी हो। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया है चेक द स्पैम इन यूअर मेल बॉक्स, इट मे बी आइडेंटिफाइड एज स्पैम। तो आपने अपनी ईमेल आईडी में स्पैम फोल्डर को भी देख लेना है कि वहाँ पर ना वेरिफिकेशन कोड जाए। तीसरे नंबर पर इन्होंने बताया है नाउ मोर देन 1 लाख पीपल आर डाउनलोडिंग द न्यू वर्जन एंड वेरीफाइंग KYC एवरी मिनट एंड देयर मे बी फोनिमल ऑफ लैग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर।
तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं इस ऐप को और केवाईसी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसी वजह से भी देरी हो सकती है आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन होने में। तो दोस्तों जैसे ही केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगी, यहाँ पर आपने कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लगाना है, ओनली आपकी ईमेल आईडी से ही वेरिफिकेशन होगी। चाहे हमने पहले से केवाईसी कर रखी है, ईमेल वेरीफाई हो जाएगी तो हमारी केवाईसी सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही विड्रा के रिगार्डिंग कोई न्यू अपडेट आएगा, दोस्तों सबसे पहले बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि VS टोकन का असल में प्राइस क्या चल रहा है, इसको सेल कहां पर करें। तो मार्केट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर VS टोकन का हमें प्राइस देखने को मिलता है। यहां पर 0.02 डॉलर का इसका प्राइस चल रहा है USDT में। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो अभी यहाँ पर क्लिक करने के बाद ट्रेड की ऑप्शन यहाँ पर आ नहीं रही है। VS टोकन को हम कहीं पर भी विड्रा नहीं कर पा सकते और ना ही कहीं पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज पर ये अभी लिस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही किसी एक्सचेंज पर ये लिस्टिंग होगा, उसके बाद इसका विड्रावल स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा, वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम लोग विड्रा करके आपको वीडियो के माध्यम से पूर्ण प्रोसेस बता देंगे कि कैसे VS टोकन को आप लोगों ने विड्रा करना है, कैसे किस एक्सचेंज पर ये लिस्ट हुआ है, किस एक्सचेंज पर आप इसे सेल करने के बाद अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिंग लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।